हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे इंटरिम ऑडिट के बारे में कि इंटरिम ऑडिट होता क्या है। एन ऑडिट कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स। मानो फॉर एग्जांपल दो एनुअल ऑडिट के बीच जो भी ऑडिट किया जाता है दैट इज कॉल्ड इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट फॉर एग्जांपल 2019 अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है और 2020 आपका फाइनेंशियल ईयर है। फॉर एग्जांपल 2019 का ऑडिट आफ्टर द फाइनल जो अकाउंट बनेंगे उसके बाद होता है और 2020 का उसके बाद होगा। लेकिन इन दो एनुअल ईयर के बीच जो ऑडिट होता है दैट इज कॉल्ड इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट आपका क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, 9 मंथ का हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर। अब बात आती है कि इंटरिम ऑडिट क्यों करवाया जाता है। तो फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द इंटरिम डिविडेंट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ द मर्जर अमलगमेशन, चेकिंग ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, चेकिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एक्सेट्रा, तो वहां पे इंटरिम ऑडिट करवाया जाता है। लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम टाइम इंटरिम डिविडेंट को पे करने के लिए या मर्जर के केस में इंटरिम ऑडिट करवाया जाता है। अगर आर्टिकल में डिफाइन नहीं है तो कंपनी इंटरिम डिविडेंट पे नहीं कर सकती है। इंफॉर्मेशन थी इंटरिम ऑडिट के बारे में।